फिट रहे इंडिया में हम आपको हमेशा ज्ञान देते रहते हैं कि ये खाएं वो ना खाएं, ये आपके लिए अच्छा है, इसे डाइट में शामिल करें। लेकिन आप सोचते होंगे डाइट में शामिल तो करना है, पर किस तरीके से, क्या रेसिपीज हैं, किस तरह से उसे बनाएं, पकाएं और खाने में डालें। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करें नट्स का बादशाह बादाम। बादाम सेहतमंद है ये तो सभी जानते हैं, और बादाम के जो गुण हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आखिर इसमें फिट रहे इंडिया नया क्या बता रहा है। नया ये है कि हम आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताएंगे जिससे आप बादाम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं शेफ अनिरुद्ध खन्ना, जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं पाक होटल के। तो सबसे पहले कौन सी ड्रिंक बनाने वाले हैं, क्या बना रहे हैं आज? हम बनाएंगे सबसे पहले कैरमल एंड आलमंड स्मूदी। सबसे पहले आप लीजिए बादाम, उसको आप ओवरनाइट सोक करिए पानी में ताकि उसका स्किन निकल सके आसानी से जी। ये हमने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है आलमंड्स को। एक ब्लेंडर लीजिए, मिक्सी जो घर पे होता है, ऐड सम आलमंड्स टू इट, कभी 100 ग्राम आलमंड्स, एक लो फैट योगर्ट। हाँ, नॉन फैट दही तो आसानी से मिल जाती है बाजार में। जी हाँ, बड़ी आसानी से मिल जाती है दही, ये भी करीब 100 ग्राम। थोड़ा दूध डालिए इसमें, स्किम मिल्क जी, ब्लेंडर। जब इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, इसमें आप कैरमल ऐड करिए। कैरमल बटर और शुगर के साथ पकाते हैं, इसको बनाते हैं, एक तरह का सॉस होता है ये। इसके लिए अगर हम चाहें तो हम लो फैट हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। 3 बड़े चम्मच इसमें आप कैरमल डालिए, थोड़ा सा इसमें आइस डालेंगे हम, क्रस्ट आइस। अभी आपका आलमंड स्मूदी विद कैरमल बिल्कुल तैयार है। तो ये जो आप बना रहे हैं ड्रिंक, इसमें छोटे छोटे चंक्स आलमंड के भी आ रहे हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पूछते रहते हैं सभी व्यूअर्स की वर्कआउट से पहले ऐसा क्या खाएं या बाद में ऐसा क्या खाएं जिससे एनर्जी मिले, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो शेफ, अब दूसरी ड्रिंक क्या है, क्या बनाएंगे आप? हाँ, इसके बाद हम बनाएंगे केसर और बादाम का दूध। हमें चाहिए कुछ क्रश्ड आलमंड्स, कुछ भिगोए बादाम का पेस्ट, हनी, स्किम मिल्क, सैफरन, केसर। केसर आपने पानी में भिगो रखा है। सबसे पहले इसमें दूध डालिए मिक्सर में, अबाउट 1 ग्लास दूध, आलमंड पेस्ट। ये आलमंड पेस्ट आपने भिगो करके पीस भिगो के पीस रखा है। करीब 1.5 चम्मच आलमंड पेस्ट, और छिलका निकाल देना है। छिलका निकाल देना है इसका। 50 ग्राम हनी, 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड आलमंड्स। तो अगर आप बादाम डाल रहे हैं या पेस्ट डाल रहे हैं, तो ये चंक्स डालने के लिए, टूटे हुए बादाम डालने की क्या जरूरत है? इससे आपका जो टेस्ट है क्रंचीनेस ड्रिंक में काफी अच्छा आता है। 1 बड़ा चम्मच केसर का पानी ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा आइस डालिए, क्रश्ड आइस। शेफ, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मियों में आलमंड्स नहीं खाने चाहिए, बादाम नहीं खाने चाहिए, क्या ये सही है? गर्मियों में बादाम खा सकते हैं, इनफैक्ट गर्मियों में अगर बादाम को सोक कर खाएंगे तो ये सेहत के लिए बहुत भी अच्छा होता है। अभी ड्रिंक तैयार है हमारा। अगर इतना टेस्टी दूध हो तो फिर कौन नहीं पिएगा। मेरे सामने ये रख दिया है, मुझे दूध पीना खास पसंद नहीं है, लेकिन इसको देखकर के तो मेरा मन भी कर रहा है कि दूध अब से पीना शुरू कर दे। तो शेफ, आपको तो देखकर अब लग रहा है कि बिल्कुल सर्जरी या ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए हैं, क्या बना रहे हैं जी? आज हम बनाएंगे आलमंड्स यानी कि बादाम और ज्वार का सैलेड। यह है ज्वार, जिसको हमने ओवरनाइट सोक किया है, रात भर भिगो के रखा है और उसके बाद उबाल दिया है इसको। बोल में आप ज्वार लीजिए, बादाम डालिए, ये भी भिगो के रखा, ये भिगो के रखा हुआ, इसका स्किन निकाला हुआ हमने। सेब लीजिए इसमें, चॉप सेब। कोई और फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप चाहे तो आप कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हरा पत्ता डालिए सलाद का, दिस इज रॉकेट लीव्स, थोड़ा सा आइसबर्ग लेट्यूस। अब आप इसमें नींबू, 1 चम्मच हनी, ऑलिव ऑयल, स्वाद अनुसार नमक,
ये तो बहुत ही हेल्दी ड्रेसिंग हो गई, ना कोई मेयो है ना कुछ। थोड़ा सा कुटवी काली मिर्च, इसको आप मिक्स कीजिए। ये हो गया आपका ज्वार और बादाम का सलाद। सैलेड को आप देख लीजिए, इसमें अनाज है, फल है, आपके फाइबर के लिए पत्ते भी बहुत सारे हैं, बादाम है, क्या नहीं है इसमें। ऑलिव ऑयल है जो कि हेल्दी माना जाता है, तो आपको हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं। आप इसको खाते हैं लंच के तौर पे तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएगी। तो शेफ, आपने हमको इतनी सारी रेसिपीज बताई, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं कि ये सारी रेसिपीज जो हमने आपको बताई उन्हें आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देंगे कि बादाम गर्मियों में ना खाएं। पूरा न्यूट्रिशनल आपका रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कीजिए, फ़ायदा उठाइए बादाम का। फिट रहे इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट हो जाए डिले तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं स्पा का मज़ा।